नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद ट्रैवलर्स में। दोस्तों, हम में से लगभग सभी व्यक्तियों का ये सपना होता है कि हम अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो विदेश यात्रा जरूर करें। कोई पेरिस का एम्फिल टॉवर देखना चाहता है, तो कोई स्विट्जरलैंड घूमने की तमन्ना रखता है। लेकिन सिर्फ फ्लाइट की टिकट बुक करके ही आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। इन देशों में घूमने के लिए चाहिए काफी सारा पैसा। शायद यही वजह होती है कि हम विदेश घूमने की प्लानिंग को आखिर में टाल देते हैं। हालांकि अगर आप विदेश घूमना चाहते हैं और ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो भूटान जैसे खूबसूरत देश से शुरुआत कर सकते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जो पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में सबसे स्वच्छ देशों में से एक है। आपको बता दें कि भूटान लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। भूटान की सीमा भारत के सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगी हुई है। बता दें कि पर्यावरण की रक्षा भूटान का एक संवैधानिक दायित्व है और यहाँ का 60% हिस्सा आज भी जंगल है। भूटान दुनिया के ऐसे पहले कार्बन नेगेटिव देशों में से एक है जहाँ तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है। भूटान देश कई तरह के पर्यटन आकर्षण से भरा हुआ है, जो प्रकृति प्रेमी के लिए स्वर्ग के समान है। बहुत से लोगों को इसकी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से ही यहाँ की यात्रा करना पसंद है। अगर आप भी भूटान की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भूटान के पर्यटन स्थलों और यहां जाने के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। भूटान कई तरह के पर्यटन आकर्षणों से भरा हुआ है। अगर आप भूटान देश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो नीचे हमने भूटान के पर्यटन स्थलों की पूरी लिस्ट दी है, जिसकी मदद से आप अपनी भूटान यात्रा शुरू कर सकते हैं। नंबर एक, भूटान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल थिम्पू। थिम्पू को भूटान के केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो देश के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। बता दें कि थिम्पू भूटान की राजधानी भी है, जिसे पुनाखा के बाद वर्ष 1961 में राजधानी घोषित किया गया था। यह भूटान में एक ऐसी जगह है जिसे अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। थिम्पू देश की एक ऐसी जगह है जो आज भी भूटानी परंपराओं पर कायम है, क्योंकि इसमें बुद्ध डोरडेनमा जैसी विभिन्न वास्तुकला की संरचनाएं हैं जो थिम्पू में प्रवेश के दौरान देखी जा सकती है। यहाँ पर टेक्सटाइल म्यूजियम, लाइब्रेरी, आर्ट स्कूल और वीकेंड मार्केट यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। थिम्पू पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग एक घंटे की ड्राइव पर स्थित है, जो परंपरा और आधुनिकता दोनों का मिश्रण है। थिम्पू एकमात्र ऐसी राजधानी है जहाँ पर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। थिम्पू में देखने लायक जगह है त्रशी छो डंजोग, चंगंखा लंखांग, टैंगो गोम्बा, राष्ट्रीय स्मारक चौटेन, मोती थांग तांकिन प्रिजर्व, दीचेन फोर्डरंग, भूटान का राष्ट्रीय पुस्तकालय, सिंपली भूटान और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जोरिंग चुजुम। नंबर दो, भूटान का सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल पारो। पारो भूटान की पारो घाटी में स्थित एक छोटा सा शहर है, जो 155 मंदिरों और मठों का घर है। पारो भारी संख्या में दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पारो छू नदी के तट पर लगभग 2280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो 1259 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बता दें कि यहाँ पारो भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसे धरती पर उतरने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डा भी माना जाता है। पारो कई सारे आकर्षणों से भरा हुआ है। यहाँ की यात्रा करने के लिए हर किसी को जरूर जाना चाहिए। भूटान के प्रतिष्ठित मठों में से एक है टाइगर का घोंसला या तख्त सांग, जो पारो शहर में एक चट्टान पर स्थित है। इसके अलावा पारो में ऐसी कई जगह हैं जो पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, जिनमें मठों से लेकर म्यूजियम के नाम शामिल हैं। पारो में घूमने लायक जगह है चेले लापास, नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान, टाइगर नेस्टी मोनेस्ट्री, रिनपुंग डंजोग, किला गोम्बा और जंगल सरू लखांग। नंबर तीन, बांगड्यू फोर्डरंग पर्यटन। बांगड्यू फोर्डरंग भूटान के सबसे बड़े जिलों में से एक है, जो मठों और मंदिरों से लेकर वन्य जीव और देहाती गांव से भरा हुआ है। बांगड्यू फोर्डरंग उत्तर में बांगचुंग सेंटेनियल पार्क और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में दिग्मे दोर्जी नेशनल पार्क के साथ कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है। यहाँ पर पर्यटक ऑर्किड, रोडेंडोड्रोन, ब्लू पॉपी, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप और ब्लैक बियर जैसे दुर्लभ जानवरों को देख सकते हैं। बांगड्यू फोर्डरंग पर्यटन प्रकृति प्रेमियों के लिए घूमने की सबसे अच्छी जगह है। अगर आप भूटान की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बांगड्यू फोर्डरंग के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए अवश्य आना चाहिए। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जिग्मे सिंगे बांगचुंग नेशनल पार्क, फोब जीघा घाटी, शा राडप का मंदिर,
रिनचोंगांग गांव, अधा और रुखा विलेज, जकर पर्यटन और बांगड्यू फोडरंग डंजोग। नंबर 4, पुनाखा। पुनाखा भूटान के 20 जिलों में से एक है, जो समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमालय का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पुनाखा 1955 तक भूटान की पूर्व राजधानी थी, जिसके बाद में थिम्पू को राजधानी बना दिया गया। बता दें कि यह जगह माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। इसके अलावा यहाँ भूटान का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग पोचुंग नदी में किया जाता है। अगर आप भूटान की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको पुनाखा की यात्रा के लिए भी जरूर जाना चाहिए। पुनाखा पर्यटन में घूमने लायक जगह है पुनाखा दंजोग, मो छू नदी, पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज, पुनाखा गांव, दिगमे दोरजी नेशनल पार्क, दोचूला दर्रा, खानसम यूलली नामग्याल चौटन और सांगचे दोरजी लुहुन रूप नंदन नेरी। नंबर 5, बुमथांग। बुमथांग चार खूबसूरत पहाड़ियों का घर है। यहाँ पर कई प्राचीन मठ और मंदिर स्थित हैं। बुमथांग भूटान में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो अपने धर्म और आध्यात्मिकता के इतिहास के लिए जाना जाता है। कुर्जी और तमशिंग लंगखांग यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, और इसके अलावा पर्यटक पहाड़ी पर ट्रैकिंग जैसे काम भी कर सकते हैं। बुमथांग को भूटान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बुमथांग के पर्यटन स्थल हैं खुर्जे लंगखांग मंदिर, जाकार दंजोग, जाम्बे लंगखांग, तामशिंग लंगखांग, जलती हुई झील, उरा घाटी, ओजेन चोलिंग पैलेस म्यूजियम और कोचो गसम लखांग। नंबर 6, फुंट शोलिंग। फुंट शोलिंग भूटान का सबसे दूसरा बड़ा शहर है, जो भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में अपनी सीमा को साझा करता है। यह कोलकाता और सिलीगुड़ी के यात्रियों के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में सेवा करता है और भूटान का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। फुंट शोलिंग भूटान के अधिकांश शहरों की तुलना में अधिक विकसित है, और इसके बाद भी यह कई प्राकृतिक आकर्षणों से भरा हुआ है। अपनी फुंट शोलिंग यात्रा के दौरान पर्यटक जांगतो पेलेरी लखांग, खरबंदी मठ, भूटान गेट और खरबंदी गोम्बा की यात्रा कर सकते हैं। जांगतो पेलेरी लखांग एक छोटा सा मंदिर है, जो गुरु रिनपोचे को समर्पित है। यहाँ स्थित भूटान गेट भारत से प्रवेश के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है, जो पारंपरिक भूटानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। फुट शोलिंग के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं भूटान गेट, जांगतो पेलेरी लखांग, अमोचू क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, खरबंदी मोनेस्ट्री और तोरसे नदी। तो दोस्तों, ये थी भूटान के बारे में कुछ अहम जानकारी। अगर आपका भी इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आगे आप किस राज्य और शहर के बारे में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।